अगर अपन बात करें रियल नंबर्स के बारे में, तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि जो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे डियर क्या होते हैं, ग्रैंडपा। डियर हमारे क्या होते हैं, ग्रैंडपा। मतलब हर वो नंबर जो कि चाहे रैशनल है, मतलब किस ना किस फॉर्म का है, पी बाय क्यू फॉर्म का है, चाहे वो √3 या √5 या √7 जैसा है, जो कि नॉर्मली क्या होते हैं, इरेशनल। रैशनल नॉर्मली क्या होते हैं, रैशनल इरेशनल नंबर। वो सारे ही नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे रियल रियल नंबर्स। ये नंबर सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, रियल रियल नंबर्स। अब इस चैप्टर में पढ़ने के लिए तो खैर बहुत सारी चीजें हैं। एक तरफ आपको HCF निकालना सीखना है बाय लॉन्ग डिविजन मेथड, ठीक है। तो एक तरफ आप HCF निकालना सीखेंगे बाय लॉन्ग डिविजन मेथड, दूसरी तरफ आपको इसी के अंदर सीखना है यूक्लिड डिविजन। यूक्लिड डिविजन जिसको ये लोग बोलते हैं लेमा, यूक्लिड डिविजन लेमा। यूक्लिड डिविजन लेमा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एक तो HCF हो गया, कौन सा, लॉन्ग डिविजन, देन यूक्लिड डिविजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में आता है प्रूव दैट, चैप्टर में आता है कि बस प्रूव प्रूफ दैट दैट कि √3 रूट थ्री या √5 फाइव या √7 इरेशनल। रेशनल इसको प्रूफ करने के लिए इस चैप्टर में आपसे बहुत सारी बातें पूछी गई। कहीं कहीं पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर के अंदर, जो कि वर्ड प्रॉब्लम डायरेक्टली एसोसिएटेड होती हैं HCF और LCM निकालने से। मतलब मैं इसकी भी ट्रिक बोल दूं, जहां पे भी आपको कभी भी ऐसा बोलो ना, फाइंड द लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट साइड या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसा कुछ भी वर्ड बोलाओ तो LCM। अगर कहीं भी कुछ बोला हो, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, तो अगर हाईएस्ट, तो वहां पे आपको क्या निकालना रहेगा, HCF, ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर की थोड़ी सी वो क्या है, भूमि रेखा है, जिसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, एक पार्ट और है आपके पास कि आपको ये बताना है कि कौन से नंबर्स, अगर मैं बात करूं तो रैशनल नंबर्स है जो कभी भी कहते हैं, जिनका डिनोमिनेटर में 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में कहीं ना कहीं वो डिवाइड हो जाता है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि 2 की पावर n × 5 की पावर m। सर, इन सब के बारे में समझें और पढ़ें, तो मेरे पास जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ बच्चे समझें और रटें, वो है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। √3 इज इरेशनल। सर, नॉर्मली इरेशनल नंबर क्यों √3 है? जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब आप उसको कैलकुलेटर पे भी करना चाहेंगे तो ये लंबा 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 चलते जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, इसलिए इसको रैशनल इरेशनल बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, इसीलिए इसको इरेशनल रैशनल का दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब जो भी नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो नंबर कौन सा रहेगा, इरेशनल, ठीक है ना। तो और एक और बात ध्यान रखना, क्यू का कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब पी बाय क्यू फॉर्म में लिखा जा रहा है, मतलब क्यू हैज नो अदर फैक्टर, क्यू हैज नो अदर फैक्टर। रीजन बींग, आप इसको स्मॉलेस्ट काट के, जो भी कोई रैशनल नंबर हो उसको स्मॉलेस्ट काट देते हो, तो क्यू हैज नो अदर फैक्टर। सर, समझाओ ना कैसे स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस अजम्पशन के साथ, जो पहला पार्ट होता है कि लेट √3 बी अ रैशनल, लेट रूट √3 बी अ रैशनल नंबर थ्री ऑफ द फॉर्म, √3 बी द रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म, रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाय बी, वेयर ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर। ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर। हम ये मान के चलेंगे, सर ऐसा क्यों लिखवा रहे हो, आज मुझे बताओ, कोई भी रैशनल नंबर अपने स्मॉलेस्ट, जैसे 2/3 है, अब 2/2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर थोड़ी है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं बाकी ना, 1 के अलावा, भाई 1 तो ठीक है सबका रहता ही रहता है। जैसे अगर 5/7, तो 5/7 का कोई कॉमन फैक्टर थोड़ी है। हाँ, कहीं पे लिखा होता है ऐसा कि भाई 10/6, तो इसको ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं, इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 5/3। बाय थ्री गेटिंग इट? तो अपन तो ये बात कर रहे हैं कि √3 भी रैशनल नंबर जिसका ए और बी और ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। नहीं तो है ये सर आप क्या लिखने से, लेट √3 इज इक्वल टू कितना, ए पॉइंट बाय बी। √3 इज इक्वल टू कितना, ए बाय बी।
अब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। कहीं ना कहीं अगर ये रूट थ्री थ्री हो गया तो और इसको इधर भेज दो तो शायद थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, ए स्क्वायर। तो सर अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, थ्री बी स्क्वायर, इट मीन्स थ्री इज अ कहीं ना कहीं फैक्टर ऑफ, थ्री इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, यहां बोलू थ्री इज अ फैक्टर ऑफ ए ऑल्सो, फैक्टर ऑफ व्हाट, ए ऑल्सो, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोला है, थ्री बी स्क्वायर। हाँ कि ना, कोई डाउट तो नहीं आता। तो अपन ने क्या बोला कि सर अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, थ्री बी स्क्वायर, तो इसका मतलब थ्री कहीं ना कहीं ए स्क्वायर के साथ में है और थ्री इज अ फैक्टर ऑफ ए। तो मतलब ठीक है, इसका मतलब ए की कोई वैल्यू होगी इज इक्वल टू, अपन ने मान लिया थ्री क्यू, लेट ए इज इक्वल टू व्हाट, थ्री क्यू। क्योंकि देखो आज कोई भी नंबर का गेम, एग्जाम्पल अगर आपको बोलूं, अगर ऐसा लिखा हुआ है 15 एग्जाम्पल के लिए, 15 इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब मान सकते हैं ना कि 15 के टेबल में कहीं ना कहीं 3 आता होगा, मतलब इसको अपन 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, गेटिंग इट। अगर मैं तुमको बोलूं 20 इज इक्वल टू 2b, जैसे मैंने 2b लिख दिया, इसका मतलब मान सकते हैं ना कि 20 कहीं ना कहीं 2 से कहीं ना कहीं डिवाइड होता है, तभी तो लिखा है आपने, नहीं तो क्यों लिखते, समझ में आ रहा है कहने का मतलब। तो अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 3b स्क्वायर, इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 ए स्क्वायर के टेबल में भी आता है और 3 किसके टेबल में आता है, ए के टेबल में भी आता है। सर ठीक है, क्वाइट ऑब्वियस, मैंने बोला हाँ ये वैसे क्वाइट ऑब्वियस बात है। अब अगर मैं ए की जगह पे क्या लिख, थ्री एक ही जगह पे क्या लिख दूं, 3q, तो यहाँ पे आ जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, a स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है, 3q का होल स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 9q स्क्वायर, शायद ये 1 और शायद ये 3। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा आ गया है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 3q स्क्वायर। अब ये बात समझने लायक, जानने लायक है, अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 3q स्क्वायर, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। भाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 3q स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखा था, 3b स्क्वायर, तो वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 3q स्क्वायर। तो सर 3 इज अ फैक्टर ऑफ, 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, या अपन ऐसा ही बोल सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी। बस यहीं से मेरा दिल दुख गया, इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था वो तो रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि 3, हाँ 3 फैक्टर हो गया ए का भी और 3 फैक्टर किसका हो गया, बी का भी, तो 3 इज अ कॉमन फैक्टर, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ क्या हो गया, ए एंड बी, जो कि गलत हो गया। अपन ने क्या बोला था ऊपर, लेट रूट 3 बी अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म ए एंड बी, where a and b have no common factor। अपन ने ये बोला था कि a और b का कोई भी common factor नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो चलते चलते आगे क्या मालूम पड़ गया कि 3 तो क्या है, common factor, 3 तो क्या है, common factor। तो because अपन अब यहाँ पे एक line लिखनी पड़ेगी, this this contradicts, this contradicts our assumption, this contradicts our assumption that A and B have no common factor. A and B have no common factor. ये हमारा assumption क्या हो गया? Wrong. And root 3 is irrational. ये दोनों हमारे root 3 is, मतलब अपन ने क्या बोला था कि contradicts और assumption क्या था कि root 3 क्या है? Rational number, जिसमें कि A और B का कोई common factor नहीं है. But ये बात सच्ची proof है कि wrong proof होगी. Wrong proof. Therefore, root 3 is irrational. हमारी बात सच्ची प्रूफ हुई कि रॉन्ग प्रूफ हो गई। अब देखो यार, जब मैं बचपन में करता था, मुझे पता था कि एग्जामिनर कंफर्म, मतलब बोर्ड्स वाले बेचारे लिख के देते बच्चों को हाथ जोड़ के कि ये क्वेश्चन हम पूछेंगे, कितने मार्क्स का, स्ट्रेट 3 मार्क्स का, बोले ना 3 मार्क्स से ऊपर ना 3 मार्क्स से नीचे, स्ट्रेट 3 मार्क्स का, बोले इसकी जगह हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। हमने बोला क्या चेंज करोगे, हम बोल देंगे, उन्होंने बोला हम ऐसा बोल देंगे, प्रूफ करो कि रूट 5 इरेशनल, क्या है रूट 5 क्या है, इरेशनल। मैंने बोला मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो रट्टू थोड़ा समा नहीं करूंगा, एक ही लाइन लिखूंगा, रेड रूट 5, देखना यहाँ से अपन कॉपी करेंगे, रेड रूट 5 बी अ रैशनल नंबर, 5 बी अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाय बी, वेयर ए एंड बी हैव
नो कॉमन फैक्ट हैव नो कॉमन फैक्ट सर ठीक है आप ऐसे ही लिखोगे मैंने बोला हाँ अपन तो फिर बताऊँ क्या करूँ कॉपी कॉपी कैट रूट फाइव इज इक्वल टू ए बाय बी फिर अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर फिर बताऊँ क्या लिख दूंगा फाइव बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ए स्क्वायर फिर बताऊँ क्या लिखूंगा फाइव इज अ क्या बोलो फैक्टर ऑफ कितना ए का भी है और ए स्क्वायर का भी है तो इसका मतलब आगे चल के कॉपी हुई 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 बात a is equal to कितना लिख दूंगा 5q a is equal to कितना लिख दूंगा 5q फिर इस इक्वेशन में क्या करूंगा 5b square is equal to 5q का होल स्क्वायर तो 5b square is equal to 25q square इसका मतलब कहीं ना कहीं b square is equal to 5q square where अब यहां पे b square is equal to कितना हो गया 5q square तो यहाँ पे अपन एक लाइन तो बोल दी थी फाइव इज अ फैक्टर ऑफ ए यहाँ पे क्या बोल देंगे फाइव इज अ फैक्टर ऑफ बी एंड बी स्क्वायर ओ हो यहाँ पे ऐसा लिख देंगे यहाँ पे ऐसा स्माइली बना के और ये बोल रही है ओ हो क्या बोल रही है ओ हो क्या इससे हमारा अजम्पशन राइट गया कि रॉन्ग गया रॉन्ग गया इसने हमको क्या बोला हमने क्या बोल के रखा था कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा क्या ए और बी का कॉमन फैक्टर निकल आया हाँ क्या निकल आया फाइव तो अपन यहाँ से वही लाइन लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट रूट फाइव इज रैशनल विथ ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्ट एंड वी हैव क्या ये बात सच्ची निकली कि गलत निकली गलत निकली कॉमन फैक्टर है ना जबकि ए और बी का तो कॉमन फैक्टर है कौन सा फाइव अपन बोल सकते हैं फाइव इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट ए आल्सो एंड फाइव इज अ फैक्टर ऑफ बी आल्सो इजंट इट देयरफॉर रूट फाइव इज इरेशनल सर क्या ये ऐसा रट्टू वाला क्वेश्चन है तुम्हारी किस्म का क्या तीन मार्क दान देके जाता है हाँ क्या कर सकते हैं हाँ. रामबाण बात लिखनी है और हर चीज करके सारी 1.3 सॉल्व हो जाएगी 1.3 सॉल्व करने के लिए आपको बस एक वर्ड लिखना है एनीथिंग एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ इरेशनल इज इरेशनल सर इसका मतलब आप क्या बोलना चाहते हो देखो बड़ा मजा आएगा आपको कि मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ अगर आपको किसी ने बोला कि भाई प्रूव दैट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन कर चुके हैं प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल क्या कर दिया अपन ने अभी अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आप कुछ मत करो उसमें क्या बोला है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज व्हाट इरेशनल हम बोलेंगे देख हम तो बताओ क्या करेंगे इसके अंदर पहले फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कॉपी कर देंगे मतलब हम बोलेंगे वही रूट फाइव इज इक्वल टू कितना ए बाय बी तो फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो फाइव बी स्क्वायर आया कुछ समझ में फिर ए को अपन क्या मान लेंगे फाइव क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर तो सर इसका मतलब ए का भी फैक्टर कौन है फाइव और यहाँ पे 25 क्यू स्क्वायर हो जाएगा फाइव बी स्क्वायर तो सर है ना बी का फैक्टर कौन है मतलब जैसा भी अपन ने सॉल्व पूरा किया अब अगर रूट फाइव जो अपन ने ऊपर लाइन लिखी ये लाइन बड़ी काम की बहुत काम की अगर रूट फाइव इरेशनल अगर रूट फाइव क्या है इरेशनल तो दिल से बताना क्या 2√5 भी इरेशनल आपने लिख दिया एनीथिंग एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय इरेशनल इज इरेशनल तो अगर रूट फाइव इरेशनल है तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या रहेगा इरेशनल तो सर 2√5 भी क्या हो गया आपके पास इरेशनल सर फिर क्या 3 + 2√5 भी इरेशनल हो जाएगा हाँ। भाई आपने क्या बोला था कि कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो इरेशनल था क्या हो जाएगा इरेशनल मतलब ये जो इरेशनल नंबर है नींबू समान है एक बार दूध को फाड़ देगा सब फट जाएगा इसमें कुछ भी ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे सब भी सब होगा फट जाएगा इसका मतलब क्या कि अगर रूट फाइव इरेशनल है तो 2√5 भी क्या हो जाएगा इरेशनल 3 + 2√5 भी क्या हो जाएगा इरेशनल मतलब ये इतना गंदा इंसान है कि जिसके साथ छोड़ेगा उसको गंदा करके छोड़ेगा कीचड़ इंसान है इरेशनल
हाँ कि नहीं? हाँ रूट के साथ जुड़ जाए, कीचड़ कीचड़ में तो फिर कमल खिल जाता है ना, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग एडेड सब्ट्रैक्टेड। अब जैसे इसमें तीसरा क्वेश्चन है, बोला कि प्रूव दैट 1/√2 इज इररेशनल। हमने बोला देख हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे रूट टू इज इररेशनल। कैसे? कोई कॉपी करके, रूट टू इज इक्वल टू ए बाय बी, टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, गेटिंग इट, ऐसा करके पूरा लिख देंगे। फिर क्या बोलेंगे, अगर रूट टू इरेशनल है तो 1/√2 भी क्या होगा, इरेशनल। आके ना फिर तुमसे थर्ड का सेकंड पार्ट पूछा है, बोलो कि 7/5 क्या है, इरेशनल। थर्ड का सेकंड पार्ट में क्या बोला है, 7/5 क्या है, इरेशनल। पहले हम रूट फाइव को क्या प्रूफ कर देंगे, इरेशनल। वही रूट फाइव इज इक्वल टू ए बाय बी जो भी अपन ने करा। फिर अगर रूट फाइव इरेशनल है तो 7/5 क्या होगा, एक लाइन लिख देंगे, एनीथिंग एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड हुआ इरेशनल इज इरेशनल। ठीक है, अच्छा फिर बताओ 6/√2 क्या होगा, 6+√2 क्या होगा, सर हम बोल देंगे लेट रूट टू इज इक्वल टू ए बाय बी, टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। फिर वो लिख देंगे 2b² इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर। फिर अपन लिख देंगे यहाँ पे कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ कितना, a। ऐसे लिख देंगे ना सर, अब तो याद भी होते जा रहा है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। फिर सर हम बताऊ क्या करेंगे, a इज इक्वल टू लिख देंगे 2q, तो 2b² इज इक्वल टू हो जाएगा 4q², तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ कितना, 2 इज अ फैक्टर ऑफ कितना, b। इसके आगे हम लिखेंगे ओहो, ओहो का मतलब क्या है कि हमारा assumption क्या हो गया, राइट हो गया कि रॉन्ग हो गया। तो अगर रूट टू इरेशनल है तो 6+√2 भी क्या होगा, इरेशनल। एनीथिंग एडेड डिवाइडेड हुआ इरेशनल इज इरेशनल इज व्हाट, इरेशनल। तो क्या सर आपकी 1.3 पूरी हो जाएगी, 1.3 पूरी हो जाएगी। अपन बात करें देखो जो आपकी पूरी 1.2 एक्सरसाइज वो कुछ इस प्रकार से है कि वो सिर्फ इतना जाती है कि आप ये बात ध्यान लो, कोई भी दो नंबर का HCF into LCM is equal to product of every two numbers, HCF into LCM is equal to product of two numbers A into B। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 तो इतना बचपन की याद दिलाता है कि हमको लगता है कि हमारा मान सम्मान ही क्या बचा। बोलता है 140 को लिखो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब बचपन में ऐसे 140 और 2 से करते थे 70, फिर 2 से करते थे 35, फिर 5 7 7 1। बताओ उसको क्या लिखना है, 2 × 2 × 5 × 7 × 1। ये एक 10वीं क्लास के छात्र के लिए उसके सम्मान की हीन वाली बात है कि एक टुच्चा काम करके लिख लो। ऐसे ही 156 को आपको बचपन में ऐसे करते थे ना, 156 तो 2 यहाँ पे आपके पास कितना हो जाता है, 78, 2 39 39 13 13 1। सर मतलब ये तो हो ही जाएगा। ऐसे ही आपको 3825 को भी लिखना है, और ऐसे ही फिर आपको 5005 को भी लिखना है, और ऐसे ही फिर आपको 7429 को भी लिखना है। बस आपकी सॉल्व करने की जो इच्छा शैली है वो ढंग की होनी चाहिए। अगर 5005 है तो इनडायरेक्टली अगर इसको अपन पहले 5 से भी करें तो ये आ जाएगा 1001। नॉर्मली 1001 किसी से शायद डिवाइड नहीं होता, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1001 ही लिखना पड़ेगा, शायद ये प्राइम वह फिर भी चेक कर लीजिएगा। नॉर्मली ये ना तो शायद 7 से हो जाएगा शायद प्लस में, एक बार देखो 30 28, हाँ 7 से हो जाएगा। इसको 7 से कर लेते हैं, 7 से कितना निकलेगा, 7 × 7 34, फिर 21 140, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 143। तो 5 × 7 × 143, गॉट इट सर। क्या ऐसा अपन लिख सकते हैं, मैंने बोला हाँ मुझे तो अच्छा लगा, लिख तो सकते हैं अपन। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि आपको बोल के रखा है वेरीफाई दैट LCM into HCF is equal to product of two numbers, मतलब उसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। और पहले केस में अपने को नंबर दे दिए इन्होंने, फर्स्ट केस में कितने, 26 और 19।
तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले 26 और 91 का पहले तो क्या निकाल, एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो सर ये किससे जा रहा है, 2 से तो जा ही रहा है, ये कितना हो गया 13 और ये तो रहेगा 91। सर फिर शायद 91 शायद 7 से जाएगा, सर चेक कीजिए। तो अगर अपन बात करें 13 7 मंजर सर 31 और तो सर एलसीएम कितना हो गया शायद 2 × 7। अब अगर मुझसे कोई बोले एचसीएफ निकाल के देखो, तो मेरे पास एचसीएफ निकालने के दो तरीके, पहले तो ऐसे लिख दो 26 = क्या लिखते 2 × 13 और 91 को क्या लिख सकते हैं सर, 91 को बोल सकते हैं 7 × 13। सही है, तो इनका बचपन में आते थे सांप बना के अपन, तो इनका एचसीएफ कितना हो 30, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया 30। तो बस उनको ये चाहिए कि 26 × 91 जो भी होगा वो 27 से कितना 14 और 14 × 13 अगर अपन बात करें तो 140 और शायद 182 होता है, तो 182 × 13 = 26 × 90। तो बस आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि ये दोनों मल्टीप्लाई करके सेम आ रहे हैं क्या। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100% ये क्या आएंगे, सेम। ठीक है, क्यों बोलो, कोई डाउट तो नहीं आता। अब अगर अपन आगे की बात करें और सिस्टमेटिक बात करें तो यही चैप्टर और क्या बताता है आपको, सेकंड क्वेश्चन में आपको देके रखा है 510 और कितना 92। तो मेरा ऐसा कहना है कि क्यों ना अपन 510 और 92 का पहले तो क्या निकाल लें, एलसीएम। तो सर अगर आप एलसीएम निकालोगे तो शायद ये कुछ ऐसा करना पड़ेगा एलसीएम के लिए, यहाँ पे ऐसा कर लेंगे 510 और 92 का पहले अगर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 255 और ये हो जाएगा 46। फिर सर 2 से एक बार और कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 255 23। फिर शायद ये 3 से भी हो जाएगा, 3 से अगर ये होगा तो कितना होगा 885 शायद, है ना, चेक 8 और 5 23। सर फिर क्या ये और भी होगा 5 से, मतलब हाँ 5 से तो हो सकता, हो सकता है क्या, कितना आ जाएगा 17 या 23 17। और अगर अपन इसके बाद की बात करें तो यहाँ पे आपके पास इनडायरेक्टली ये 1 और ये भी कितना। अब ऐसे केस में जितना मुझे लगता है अगर HCF निकालूंगा तो HCF भी निकालना तो पड़ेगा, ठीक है। तो सर LCM तो मिल गया आपकी, अगर LCM तो मिल गया आपके पास कितना 2 × 2 × 3 के बाद देखिए 23 आएगा, 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23 ये क्या हो गया LCM। सर दोनों में कॉमन क्या था, अगर मेरे को कोई बोले सर आपको 5/10 को लिखना है तो 5/10 को पहले 2 से करा था तो कितना है 255, फिर 3 से करा तो कितना है 85, 5 से करा था तो कितना है 17, 5 × 510। चलो चाहो तो देख लिख के देखो कि ये 510 को ऐसे लिख सकते। अब दूसरा क्या बचा 92 को 2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा 46, फिर से 2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा 20। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, तो ये इनका क्या हो गया एच एफ कितना हो गया आपके पास 2, एचसीएफ कितना हो गया 2। अब बस आपको यही प्रूफ करना है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम जो आया वो इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब 510 × 92 आना चाहिए। तो ऐसे भी देख लें 2 × 2 = 4 4 × 5 = 20 23 = 60, तो 60 × 17 × 23 × 2 = ये दोनों आने चाहिए। तो क्या सर आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, बोला हाँ चेक तो कर सकते हैं। चले क्या अगर अपन बात करें और अच्छे से बात करें तो हम किस तरफ गेम को आगे बढ़ाएं। सर ये सब करने का मौका मिलेगा आपको, चिंता ना कीजिए। सर तीसरा वाला क्या बोल के रखा है 336 और क्या बोल के रखा है 54। ठीक है,
इसका सर बचपन को याद करूं तो कैसा हो जाएगा? टू, ये कितना हो जाएगा? वन, फिर कितना आ रहा है? सिक्स, फिर कितना आ रहा है? एट, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 27. फिर टू करें क्या? 84. फिर कितना आ रहा है? 27. फिर टू करके देखते हैं? 42. फिर कितना आ रहा है? 27. फिर टू करके देखें क्या? 21. 27. फिर शायद थ्री करके देखें? 7. 9. फिर थ्री. सर ये तो आप हमको सेवेंथ क्लास में ले जा रहे हो या एट्थ क्लास में? ना ठीक है, बोर्ड्स की क्लास है, मैं इसलिए इस चैप्टर से बच के चलता हूँ कि ये चैप्टर में आप मैं से कुछ मैजिक उत्पन्न एक्सपेक्ट मत करना. ये बचपन का चैप्टर है और बचपन के समान ठीक है. तो सर इसका अगर आपको कोई बच्चे में सोचे एलसीएम क्या हुआ, एक एलसीएम तो हो गया 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 3 = 48, 48 × 3 = 144. 144 इंटू 3 इंटू 7 जो भी होगा वो तेरा क्या हो जाएगा? LCM. सर क्या एक इसका अपन HCF भी निकाल सकते हैं? मैंने बोला हाँ, अगर आपको लिखना हो तो 336 को कैसे लिख सकते हो? तो सर 336 को आप लिख सकते हो 2, फिर इंटू वापस से कितना हुआ? 2. फिर अगर अपन बात करें फिर से कितना हुआ? 2. फिर से कितना हुआ था? 2. फिर कितना आया था? 3. फिर कितना? 7. यही था शायद. हाँ. जितना मैं समझ पा रहा हूँ, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48, 48 × 7 = 336. सर 54 को कैसे लिख सकते हो? 54 पहले 2 से हुआ था, 27 हो गया था, फिर किससे हुआ था? 3 से. फिर 3 से, फिर 3 से, ऐसे ही हुआ था. 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27. दो नंबर ए इंटू बी दैट इज इक्वल टू कितना? 36 × 54. तो अगर बच्चे ऐसे भी करना चाहें तो कुछ कर सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए मतलब 144 इंटू 3 अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं आपके पास हो जाएगा 20. ये पूरा मल्टीप्लाई कर, अगर 144 इंटू 3 करेंगे तो जितना मुझे करा है 432 आएगा. 432 इंटू 7 इंटू 2 मतलब इंटू या तो 6 कर ठीक है ना, इज इक्वल टू 336 इंटू कितना आना चाहिए? 54. सर क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एक आधी मार्क के आए तो आए, वरना आप कभी भी इस पार्ट को कोई बहुत इंपॉर्टेंट मत समझिएगा. ये तो आपको बचपन का रिवाइज कराने के लिए बोला है. जो इसके अगला वाला क्वेश्चन है वो बड़ा काम का है. तो सर इसके अगले वाले क्वेश्चन में आप क्या समझाना चाहोगे? अगले वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छी गिवन है. आपको बोल रहे हैं कि भाई आपको एलसीएम गिवन रहेगा, आपको एचसीएफ गिवन रहेगा, आपको एक नंबर भी गिवन है हमने. आप कहते हैं आपको अगले वाले क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ of the following integer by prime factorization. मतलब जो sorry LCM और क्या निकाल HCF. तो सर क्या question number 3 मैं आपके भरोसे पे छोड़ सकता हूँ? कैसे? जैसे इसका first part है, आप खुद देखिए क्या given है आपको, 12, 15 और 21. तो सर अगर 12, 15 और 21 का LCM निकालना है तो 2, 6, 15, 21, 2. 3, 15, 21, 3, 1, 5, 7. सर ये जो आपका निकल आएगा ये तो क्या निकल आएगा आपका? LCM. सर HCF के लिए क्या करोगे? 12 को लिखेंगे 2 × 3, 2 × 2, 2 × 3. 15 को क्या लिखेंगे बताओ? 3 × 5. 21 को क्या लिखेंगे? 3 × 7. क्या तीनों में कुछ भी कॉमन है क्या? यस, क्या कॉमन है? 3. तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 3. सही क्या? एलसीएम कितना आ गया? 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 67 = 420. ठीक है यहाँ तक? तो सर सेकंड वाले का तो मजेदार है, बताऊँ क्या? उसका एलसीएम निकालना इसलिए इजी है कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स ही, मतलब क्या 17, 23 और 29. खुद के अलावा किसी टेबल में आते ही नहीं है. 17, 23 और 29. फिर आपने क्या कर लिया? 23, 1, 1 और 29. फिर क्या? 29,
वन वन और कितना वन, तो ये इनका क्या हो गया? अगर हम बात करें तो एल सी एम, तो इनका एलसीएम पूछे तो वो हो जाएगा 17 × 23 × 20, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स, इसलिए इनका एचसीएफ सिर्फ वन रह सकता है। क्यों? क्योंकि 17 को आप लिखी कर सकते हो 17 × 1, 23 को आप लिखी कर सकते हो 23 × 1, 29 को आप लिखी कर सकते हो 29 × 1, तो इसमें 1 के अलावा कुछ भी और कॉमन नहीं रह सकता। ठीक है, क्या थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको आपके हवाले पे छोड़ूंगा कि पहले आप अपना खुद ट्राई करें समझे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे लिख लो, वेरी 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 आईएमपी एग्जाम टाइप, फोर्थ एग्जाम टाइप है। आपको बोल के रखा है कि आपको एचसीएफ ऑफ गिवन है, एचसीएफ ऑफ कौन सा नंबर 306 और 3657, ये दो नंबर हैं जो कि ए है और क्या बी है। इनका एचसीएफ आपको 9 गिवन है, आपको क्या निकालना है? एलसीएम। मैंने बोला अरे एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है A, तो एलसीएम तो नहीं पता, तो एलसीएम को हमने क्या मान लिया, एलसीएम को हमने क्या मान लिया एक्स इनटू एचसीएफ हमारे पास कितना है 9 इज इक्वल टू 306 × 6। अगर मैं उसको 3 × 3 काटूं कितना हो जाएगा 102, फिर मैं इसको 1 काटूं कितना हो जाएगा 334, तो तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा जो भी आएगा 34 × 657। सर ठीक है, अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ मुझे भी अच्छी बात ही लगी, कोई गलत बात तो है नहीं। सर आपको ऐसा बोल के रखा है कि चेक वेदर 6 की पावर n एंड विथ अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर और नॉट। तो उन्होंने बोला 6 की पावर n क्या कभी एंड में 0 ला पाएगी फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात करूं, चेक तो कर ही लेंगे बाकी ना, और जब तक किसी नंबर के आखिरी में 2 और 5 की जोड़ी ना बनता है तब तक कभी 0 नहीं। आपको चेक करना है तो आप n की जगह पहले 1 पुट करोगे तो कितना है 6, 2 पुट करोगे तो कितना है 36, 3 पुट करोगे तो कितना है 216, सर 4 पुट करोगे तो कितना है 1256, ये सब भी आ जाएगा बट 1296, बट कभी 0 नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर के आखिरी में 0 आने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। 6 के अंदर 2 तो है बट 5 नहीं है, तो जब तक किसी नंबर के अंदर 2 और 5 की जोड़ी नहीं बनेगी, 2 और 5 की जोड़ी नहीं बनेगी, तब तक उस नंबर के अंदर आप 0 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 3 × 2 तो ठीक है, ओके 5 कहाँ है? जब तक 2 और 5 का कोई संबंध नहीं मिलेगा, जब तक मीरा और कृष्ण नहीं मिलेंगे तब तक कहानी कैसे बनेगी, है ना? वैसे वो कभी मिले ही नहीं थे, इट्स ओके, गेटिंग इट? राधा कृष्ण मिले थे, मतलब एक दो बार की बात नहीं कर रहा हूं, परमानेंटली बात कर रहा हूं। हां चले, अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, एक मिनट, आपको बोल के रखा है कि 7 × 11 × 13 + 13 और यहाँ पे दूसरा देखे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, क्या ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? मैंने बोला देखो यार बाकी सब चीज छोड़ो, कि अगर मैं इसी में से अगर 13 कॉमन ले, ठीक है, तो सर ये क्या नंबर है बताओ, 7 × 11 + 1 मतलब ये 78 हो गया, बाकी ना, तो जैसे ये 78 हो गया वैसे ये वाला पार्ट क्या होगा, कंपोजिट, क्योंकि इवन नंबर तो कंपोजिट होता है ना, कंपोजिट मतलब वो नंबर जो प्राइम नहीं तो किसी और के टेबल में भी आ सकता है, क्या 78 2 के टेबल में आ सकता है क्या, बात ही खत्म, तो ये कंपोजिट है, गेटिंग इट? सर इसमें से क्या कॉमन ले लोगे आप, 5 बता, 5 कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा 7 × 6 × 4 ×
into 2 into 1 plus 1. बताओ 7 6 का कितना हुआ 42. 42 into 4 कितना हुआ 164. 164 into 3 कितना हो जाएगा शायद 492 जितना मेरे को लग रहा है. 164 into 3 is 492 into 2 is 894 plus 1. 894 plus तो ये तो 5 इंटू कितना हो गया 895. क्या ये 5 के टेबल में आ सकता है? यस. तो क्या ये पर्टिकुलर पार्ट कंपोजिट है? यस. तो अगर एक पार्ट भी कंपोजिट है तो पूरा नंबर ही क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर. अगर एक पार्ट भी कंपोजिट है तो पूरा नंबर ही क्या कहलाएगा? कंपोजिट. आपको बोल के रखा है. देखो मेरे को तो एक बात है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 जो की हमारे लेक्चर का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा. जो There is a circular path. सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, दूसरे को रवि को 12 मिनट लगते हैं और तीसरे को, अगर वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? तो एक बात ध्यान रखना, ऐसी वर्ड प्रॉब्लम में या तो SCF निकालना होता है या तो LCM. जिसके 90% ऑफ दी वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या निकालना होता है? LCM. क्या निकालना होता है? तो आपको इसमें 18 और 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है. क्या निकालना है?